महाराष्ट्र के अंदर अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में कर्जत एक तहसील है, और तहसील के अंदर 102 एकड़ की प्रॉपर्टी है वफ की, पीर दाउल मलिक दरगाह ट्रस्ट। 1952 में जो बॉम्बे चैरिटी एक्ट के तहत उस प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन किया गया, उसमें एक ही मुतवली रखा गया, और उस मुतवली ने उस पीरियड में 1994 में चैरिटी कमीशन से ऑर्डर लाकर कुछ प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश की और बेच दी। उसी सिलसिले में एक शख्स है तौसीफ हमीम शेख, नौजवान बच्चा है, उसको इस बात का पता चला, उसने उसके ऊपर गवर्नमेंट को पूछना शुरू किया, कलेक्टर को लिखा, काफ़ी सारे आंदोलन किए, साथ में उपोषण किए। इसके बावजूद गवर्नमेंट ने कहा कि इनके लिए प्रॉपर्टीज़ पे बाकायदा इंक्रोचमेंट हुआ है, उसको तोड़ा जाए, लेकिन लोकल हुकूमत ने उस पर कोई कार्रवाई ना की। इसके वजह से उसने 18 दिसंबर 2018 में एक लेटर दिया कलेक्टर को कि अगर आप इस पर कार्रवाई नहीं करते तो हम अपनी आप खुदकुशी करेंगे। हुकूमत ने कोई उसके ऊपर इंटेंशन नहीं पैदा हुआ, तो 20 दिसंबर 2018 में उस बच्चे ने अपने आप पे पेट्रोल डालकर कलेक्टर ऑफिस के सामने जला कर ले लिया, उसी में उसका इंतकाल हुआ। उसके लिए हमें तो सभी को दुआ करना चाहिए। तो उस सिलसिले में हम जब उसमें काम करना शुरू किया तो पता चला कि कुछ ट्रस्टियों ने मिलकर और कुछ लोगों ने उस प्रॉपर्टी को ख़त्म करने की, पर्सनल बनाने की कोशिश की है। हमने उस पर काम करते हुए तो LAR रिकॉर्ड निकाला, लैंड एलिगेशन रिकॉर्ड निकालने के बाद पता चला कि 102 एकड़ प्रॉपर्टी उसमें है, साथ ही में एक मंदिर है, उस मंदिर के लिए भी 4.75 एकर्स ये प्रॉपर्टी उन लोगों के लिए है जो लोगों को पता ही नहीं। तो हम चाहते हैं कि इसी के साथ उन लोगों को भी जगाया जाए जिन हिंदू लोगों के लिए दलितों की जो प्रॉपर्टी आज वफ हो गई है, उसी का ही बेनिफिट उन लोगों को, उस कौम को मिला जाए। आज ये हुआ कि वक्फ बोर्ड ने, वक्फ बोर्ड के अंदर हम प्रॉपर्टी को रजिस्टर किए, रजिस्टर करने के बाद बदकिस्मती हमारी इस बात की है कि जो एक समिति पैदा की बनाई थी हुकूमत ने, जिसके ऊपर लिखा बना कहा गया था कि आप इस इंसिडेंट को इंक्वायरी करके सच्चाई सामने लाई जाए, बावजूद सच्चाई के जी जो बच्चे उस बच्चे के साथ में थे उन्हीं के ऊपर उन्होंने FIR की है। इसलिए किया कि आपने उसको प्रोटेक्टिंग किया कि अपनी जान देने से, लेकिन ये तो जिम्मेदारी हुकूमत की बनती थी, क्योंकि ऑलरेडी उसको एप्लीकेशन दे चुके थे, उसका रिसीव लेटर हमारे पास है। ये जिम्मेदारी हुकूमत की थी, ना कि उस 5 बच्चों की थी। इस बेगुनाह बच्चों को जिन्होंने इस वक्फ प्रॉपर्टी बचाने के लिए उनका साथ दिया, उन्हीं के ऊपर FIR की है, और इस तरीके से बड़ी तरीके से नाइंसाफी का सबूत दिया इस हुकूमत ने। तो हम उसी के साथ, उसी के लिए भी लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह हम उसी के लिए इंसाफ जरूर, इंसाफ हमें मिलेगा, ये हमें उम्मीद है। उस मामले में हमने उस बच्चों को सबसे पहले तो किस बुनियाद पे आप लोगों ने उनके ऊपर FIR की, इसी के लिए हम सवाल क्रिएट कर रहे हैं और उनके लिए कानूनन लड़ाई लड़ रहे हैं। और कानूनी लड़ाई में ये होना चाहिए था कि सिर्फ ट्रस्टी और जो जिम्मेदार अफसरान हैं इनके ऊपर FIR होनी चाहिए थी, इसलिए हम फाइट कर रहे हैं और इसके लिए कानून अदालत में हम जा रहे हैं।